अब हम एग्जांपल्स करेंगे किसके ऊपर बेस्ड, इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर बेस्ड। अब हमें कोई भी एक इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन गिवन है, हमें बताना है कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, थीटा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू मान ली, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन बाय वन अपोन वन वन अप टू सो, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है, तो ये वन प्लस वन बाय थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय थीटा हो गया। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, थीटा थीटा प्लस वन इज इक्वल टू थीटा, इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा प्लस वन, दैट इम्प्लाइज थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो थीटा के दो रूट आएंगे हमारे पास, तो एक रूट जब आएगा वो आएगा वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, और एक आएगा वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू। हमें नेगेटिव वाला जो रूट आएगा वो नहीं लेना, हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट करेंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर लेंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू को क्या लेंगे हम, वन प्लस अंडर रूट फाइव बाय टू, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये वन प्लस अंडर रूट फाइव बाय टू नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इवेलुएट द इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिस, हमें इस इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है और इसकी भी निकालनी है। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, ठीक है। इसको हम लेके चलेंगे, हमने लेट कर लिया इसका, इसको हमने क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय लेमा टू प्लस वन बाय सेकेंड नंबर से स्टार्ट होके इस तरीके से, इसे हमने अब नाम दे दिया थीटा वन। अब ये वाली चीज़ की हम वैल्यू निकाल चुके हैं फर्स्ट एग्जांपल में, इसलिए हम इसे बार बार ना करके इसकी वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं ना अभी, ये वन 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 वाला एग्जांपल, इसी की हमने वैल्यू निकाली थी ना, कितनी आई थी, वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, इसी का यूज़ करेंगे हम। इसकी हमने वैल्यू वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया थीटा वन, और थीटा वन की वैल्यू को हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो थीटा वन वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टू प्लस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, टू प्लस इसे ऊपर ले जाएंगे तो टू बाई वन प्लस अंडर रूट फाइव आएगा। एलसीएम, एलसीएम ले दिया, ठीक है, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू रूट फाइव अपॉन वन प्लस अंडर रूट फाइव, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसे रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे वन माइनस अंडर रूट फाइव और वन माइनस अंडर रूट फाइव, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, क्लियर। तो हमने फर्स्ट वाली जो इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन थी टू वन वन वन, इसकी हमने वैल्यू निकाल दी है। अब हमें इसकी भी निकालनी है, टू थ्री वन वन वन, ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। अब हमने लेट कर लिया ये किसकी, इसको क्या नाम दे दिया, थीटा। अब हम इसे लिख सकते हैं टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन अपॉन दिस दिस दिस, कर सकते हैं ना, ये हम पहले कर चुके हैं इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने क्या किया है, फर्स्ट एग्जांपल में निकाली थी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू थी वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू, तो टू प्लस वन बाय थ्री प्लस दिस। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो टू बाय दिस, अब इनका एलसीएम ले देंगे, एलसीएम लिया है सिर्फ यहाँ पे हमने, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़। इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आप खुद से करना, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना। सेम एग्जांपल नंबर थर्ड, इसमें भी इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखी है, टू प्लस दिस, इसको थीटा नाम दे देंगे, उसके बाद जो कैलकुलेशन है उसको सोल्व कर लेंगे। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास जब भी दो रूट आएँ तो हमें नेगेटिव वाले को निगलेक्ट करके ओनली पॉजिटिव वाला रूट लेना है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल भी बिल्कुल ईजी है, यहाँ से ये सारे के सारे एग्जाम्पल सेम हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, हमारे पास जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो एक बार, सी ये वाला देख लो, फोर्थ वाला, हमारे पास ये वाली चीज़ है, इसको हमने थीटा नाम दे दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन प्लस थ्री बाई दिस,
इसको नाम दे दिया थीटा वन। अब थीटा वन की वैल्यू रखनी है। अब ये चीज़ देखना कि स्टार्ट वन से हुआ है तो हमें उस इनफाइनाइट कंटिन्यू फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी है जो वन से शुरू हुई हो। ऐसे नहीं कि टू वन टू वन टू वन टू वन वाली की रख देंगे, नहीं। अगर यहाँ वन से स्टार्ट हुई है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो हमें इसी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब ये देखो, हमने बी पार्ट में वन टू वाले ने इसकी निकाल रखी है वैल्यू क्या है, वन प्लस रूट थ्री बाय टू। अब यहाँ पे ये टू वन टू वन है, ऐसा नहीं है कि वहाँ वन से स्टार्ट है पर वन टू चल रही है तो हम ये वाली लिख देंगे, नहीं। अगर वन से स्टार्ट है तो ये वन वाली इनफाइनाइट कंटिन्यू फ्रैक्शन की ही वैल्यू आप वहाँ रखोगे, तो वो वन से स्टार्ट थी तो इसकी वैल्यू क्या है, वन प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू। तो हमने यहाँ देखो वन टू इसकी वैल्यू क्या रखी है, वन प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू, ठीक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन है सिंपल। अब इसके बाद है एग्जांपल नंबर फोर्थ, जो ये फोर्थ सॉरी थ्योरम है, देखो इसमें क्या है। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि के एन अपॉन के एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइंड एंड प्रूव अ सिमिलर कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर, और इसी तरीके की एक्सपेंशन हमें किसके लिए भी देखनी है, एच एन बाई एच एन माइनस वन के लिए, ठीक है। एज्यूमिंग ए नोट ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जो ए नोट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब देखो, नाउ के एन अपॉन के एन माइनस वन लेकर चले हम लेफ्ट साइड, ठीक है। के एन की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने के आई भी डिफाइन किया था और एच आई भी डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ से हम आई की जगह जब एन पुट करेंगे तो के एन की वैल्यू आ जाएगी अपॉन के एन माइनस वन। जब अलग अलग करेंगे दोनों टर्म्स के साथ तो फर्स्ट में तो के एन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन प्लस के एन माइनस टू अपॉन के एन माइनस वन, ठीक है। अब इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, के एन माइनस वन बाई के एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम के एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने ये चीज़ डिफाइन की थी ना, एच आई बी और के आई बी। अब ये दो चीज़ों का ही यूज़ हम पीछे मतलब उस थ्योरम में करेंगे। जब भी एच एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ आई की जगह एन माइनस वन पुट कर देंगे, यहाँ भी एन माइनस वन यहाँ भी एन माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से के आई की भी, इन दोनों का यूज़ करेंगे उस थ्योरम के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी दो इक्वेशन में के एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और के एन माइनस वन की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने के आई की वैल्यू बता रखी है, आई की जगह सिर्फ एन माइनस वन पुट करना है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ से के एन माइनस टू कैंसिल, लास्ट ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसी को हम वन बाय करके लिख सकते हैं ना, वन अपॉन करके लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, के एन माइनस टू की वैल्यू पुट करेंगे, करते जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में देखो हमारे पास क्या आएगा कि ए टू प्लस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वन अपॉन ए टू प्लस के नोट बाय के वन, ठीक है। हमने के नोट पे जाके स्टॉप किया, अगर ऊपर के नोट आ रहा है तो नीचे क्या आएगा, के वन आएगा। कैसे पता चला, देखो ये वाले टर्म लेंगे, मान लो एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, सेवन है, तो ऊपर क्या आ रहा है, के सेवन माइनस थ्री फोर अपॉन, नीचे क्या रहा है, सेवन माइनस टू, मतलब सेवन माइनस टू क्या आएगा, फाइव। अगर ऊपर छोटा नंबर है तो नीचे उससे एक बड़ा आ रहा है, तो अगर ऊपर के फोर है तो नीचे के फाइव आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ऊपर के नोट है तो नीचे उससे एक बड़ा के वन आएगा, क्लियर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन वाली टर्म है, हम वन अपॉन वाली लेकर नहीं चल रहे, हम सिंपल वाली लेकर चल रहे हैं, ये वाली कि ए एन प्लस वन प्लस ये वाली चीज़, ठीक है। तो ए आई वाली टर्म के प्लस में है, वन वाली टर्म, वन बाय वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको ना देख के यहाँ से देखेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इस वाली चीज़ को ए एन माइनस वन ए टू अप टू ए वन, क्योंकि के नोट की वैल्यू वन थी और के वन की वैल्यू ए वन थी, तो यहाँ से मेरे पास ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन बन गई ए एन माइनस वन ए टू और ए वन की। तो हमने क्या दिखा दिया कि के एन बाय के एन माइनस वन की वैल्यू ये वाली चीज़ आ गई, यही हमें शो करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेम चीज़ हमें किसके लिए करनी है, एच एन बाय एच एन माइनस वन के लिए करनी है, ठीक है। अब हम लेके चले एच एन बाय एच एन माइनस वन, वही पीछे एच आई डिफाइन किया था, वहाँ पे आई की जगह इनपुट करेंगे तो एच एन निकाल लेंगे, यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको बाय में अपॉन में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो वन बाय एच एन माइनस वन अपॉन एच एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एच आई की जगह जब आई में एन माइनस वन पुट करेंगे आई की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एच एन माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी, पीछे जो दो इक्वेशन दिखाई थी,
ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब अलग अलग कर देंगे दोनों के नीचे एच एन माइनस टू को, फर्स्ट वाले में तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, एच एन माइनस थ्री अपॉन एच एन माइनस टू, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसे वन अपॉन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, वन बाई एच एन माइनस टू बाई एच एन माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखो ए एन माइनस वन, अब देखते हैं हम ऊपर बड़ी टर्म है नीचे बड़ी टर्म है, एन की वैल्यू मान लो कुछ भी रख लो, फाइव रख लो, तो ऊपर क्या आ रहा है, फाइव माइनस थ्री टू, और नीचे फाइव माइनस टू थ्री, मतलब ऊपर एक टर्म छोटी आ रही है तो नीचे उससे एक बड़ी टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ का यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी इसके बाद वो क्या आ रही है, देखो ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस अप टू ए टू प्लस, ए टू के प्लस में क्या आ रहा है, एच नोट, एच नोट तक गए हम, अगर ऊपर एच नोट है तो नीचे क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको एन की वैल्यू फाइव लेके बताई थी कि अगर एन की वैल्यू फाइव लेंगे तो ऊपर अगर टू है तो नीचे थ्री आ रहा है, तो नीचे एक ज़्यादा आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे ऊपर एच नोट आ रहा है तो नीचे एक ज़्यादा एच वन आएगा। ठीक है, एच नोट की वैल्यू हमें पता है, एच वन की वैल्यू हमें पता है, तो एच नोट और एच वन की वैल्यू को हमने यहाँ क्या कर दिया, जस्ट पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस अप टू वन बाय, अब देखो क्या किया इसने, यहाँ पे ए टू प्लस वन बाई एच नोट अपॉन एच वन आ गया, इसे नीचे ले जाएंगे तो ए टू प्लस वन बाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, एच वन बाई एच नोट, नीचे लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना ये वाली चीज़। अब यहाँ पे इसने एच वन की वैल्यू पुट कर दी, ए नोट ए वन प्लस वन बाई एच नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए नोट है। ठीक है, अब इसे जब सोल्व करेंगे तो ए टू प्लस वन बाई ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए वन प्लस वन बाई ए नोट, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इसने जस्ट यहाँ पे यही रख रखी है क्या, कि ए वन प्लस वन बाय ए नोट, लास्ट टर्म यही है ना, तो वन बाय ए वन प्लस वन बाय ए नोट। ठीक है, अब ये किसकी इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन बन रही है, ए एन, ए एन माइनस वन, ए वन और ए नोट। ठीक है, ए टू भी आएगा ना ये लास्ट में, बस इसने यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया, तो ए टू ए वन ए नोट, तो हमने एच एन बाय एच एन माइनस वन के लिए भी दिखा दिया, तो हमारी थ्योरम क्या हुई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट काम कल करेंगे।